प्यारे बच्चों, आप मुझे तो पहचान गए होंगे। मैं डॉक्टर हरजीत कौर आज आपके विद्यालय में शिव छत्रपति शिवाजी की जयंती के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो हम ऐसे राष्ट्र को नमन करते हैं जिस राष्ट्र में ऐसे महान योद्धा, कर्तव्य परायण, साहसी महापुरुष हुए। मराठा शक्ति का उदय 17वीं शताब्दी में हुआ था। इनका जन्म 19 फरवरी 1630 शिवनेर किले पुना में हुआ था। इनके गुरु श्री गुरु समरत रामदास जी थे और इन्होंने कई दुर्गों पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की। बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह ने सबक सिखाने को भेजा। शिवाजी ने जल्द ही क्या उसको भगा दिया और शाइस्ता खां को भी भगा दिया। राजा जय सिंह को 1665 ईस्वी में लड़ने के लिए इन्होंने भेजा। फिर इनको पुरंदर की संधि के लिए विवश किया गया। इनके पुत्र का नाम था शंभाजी, जो कि कई भाषाओं में निपुण थे और इनको 1674 ईस्वी में रायगढ़ के दुर्ग में स्वतंत्र शासक के रूप में राज्याभिषेक कराया गया तथा इनको छत्रपति की उपाधि प्रदान की गई। प्रशासन की इनकी मुख्य विशेषता यह थी कि अष्ट प्रधान यानी 8 मुख्यमंत्री होते थे और इनको महान बनाने में इनकी माता जीजाबाई का बहुत योगदान रहा। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक पुरुष को महान बनाने में किसी स्त्री का हाथ होता है, तो इनकी माता इन्हें बचपन में रामायण और महाभारत और अनेक प्रेरक प्रसंग सुनाया करती थी और इनको महान बनाने में समर्थ गुरु रामदास जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो आज मैं इसलिए ये बात कहना चाहती हूँ कि जब भारत जैसे राष्ट्र में इतने बड़े छत्रपति शिवाजी योद्धा, कर्तव्य परायण, साहसी, देशभक्त और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि वो स्त्रियों का बहुत सम्मान करते थे, इसके कई उदाहरण हैं। एक बार एक रानी के किले पे सैनिकों ने आक्रमण कर दिया तो उन्होंने सारा वहाँ का सारा सामान उठा के ले गए और लूट कर ले गए। तब वो शिवाजी के पास आई और कहा कि मेरा सारा सामान सारा लूटपाट करके ले। तभी शिवाजी ने उनको वहाँ पर बुलाया और कहा कि पहले इनका सारा सामान वापस कर दो। इससे पता चलता है कि वो कितनी नारियों का सम्मान करते थे और उनसे क्षमा मंगवाई। और इसी तरह से शिवाजी जब आगरा में किसी एक कमरे में उनको अरेस्ट कर दिया था एक महीने के लिए, तो वो बचते बचते एक मिठाइयों के टोकरों में बच के आए थे। इस तरह से वो चाहते थे कि हमारा देश आज़ाद रहे और उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा था। और उन 1680 में उनकी मृत्यु हुई और इनको महान बनाने में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ये गुरु का बहुत सम्मान करते थे, तो इन ये गुरु की वजह से और अपनी माता की वजह से इतने महान बने। आज पूरा राष्ट्र इनको नमन करता है क्योंकि ऐसे भारत विश्व में एक महानतम राष्ट्र है कि ऐसे राष्ट्र में ऐसे महापुरुष जैसे गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी हुए। तो आज हम राष्ट्र को नमन करते हैं छत्रपति शिवाजी की जयंती पर। धन्यवाद। मैं इन्हीं शब्दों से अपनी वाणी को विराम देती हूँ।